स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। खबर मधेपुरा से है जहां उदयगंज थाना क्षेत्र के सरयू चौक स्थित एक निजी नर्सिंग होम के डॉक्टर द्वारा लापरवाही से ऑपरेशन करने के दौरान पेट में कपड़ा छोड़ देने का आरोप मरीज के परिजनों द्वारा लगाया गया है। परिजनों का आरोप है कि बीते दिनों डिलीवरी ऑपरेशन के दौरान नर्सिंग होम के डॉक्टर ने महिला के पेट में सर्जिकल कपड़ा छोड़ दिया। ऑपरेशन के लगभग 4 माह बाद महिला की मौत हो गई। मरीज के परिजन दीपक कुमार ने बताया कि मरीज काजल कुमारी का प्रसव 1 अक्टूबर 2021 को उदयकिशनगंज के फोर्ड अस्पताल में ऑपरेशन के द्वारा कराया गया। डिलीवरी के बाद 8 अक्टूबर को उसे फोर्ड अस्पताल से छुट्टी दे दिया गया, लेकिन वहां से आने कुछ दिन बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी। कई जगहों पर इलाज भी कराया गया, लेकिन जब सुधार नहीं हुआ तो इनके परिवार द्वारा कर्ज लेकर पूर्णिया के डॉक्टर लक्ष्मी यादव के पास ले जाया गया। यहां इलाज के दौरान कराए गए जांच से पता चला कि महिला के पेट में कुछ है। इसके बाद यहां भी डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया और जब पेट खोला गया तो पेट से सर्जिकल कपड़ा व अन्य सामान निकला। डॉक्टर ने बताया कि पेट में सर्जिकल कपड़ा वगैरह रहने के कारण आंख सड़ गया है। स्थिति में उसकी हालत गंभीर हो गई और इलाज के लिए 20 दिन के बाद यानी बुधवार को उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने फोर्ड अस्पताल के डॉक्टर के ऊपर घोर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए उदयकिशनगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं इस मामले को लेकर मधेपुरा सिविल सर्जन डॉक्टर अमरेंद्र नारायण शाही ने बताया कि घटना की जानकारी उन्हें मिली है। इस घटना को लेकर पूरे मामले की सत्यता की विस्तृत जानकारी के लिए उदयकिशनगंज के प्रभारी को कहा गया है। घटना की पूरी जानकारी मिलने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दीपक कुमार, घर मल्ली है जी। क्या मामला है? मामला ये है जो हमारा पत्नी गर्भवती था, ठीक। उसके बाद उसको जब उसका समय पूरा हुआ तो हम किशनगंज लाए, ठीक ना, फोर्ड हॉस्पिटल में। इसमें उसका ऑपरेशन करके हमको लड़का हुआ, ठीक। लड़का हुआ तो मतलब वो ऑपरेशन हो गया, पैसा लिया 22,000 कुछ रुपये, ठीक। अच्छा, तो ऑपरेशन करते बाद जो है वो उसमें कपड़ा छोड़ दिया। कपड़ा छोड़ने के बाद मतलब वो ऐसे सिलाई कर दिया। उसके बाद हम घर ले गए सिलाई कटवा के, और जैसे वो खाना खाता था उल्टी हो जाता था, पेट में दर्द रहता था। बहुत ऐसे डॉक्टर को दिखाए, किरण देवी, संतोष कुमार, बीएन कुमार, लक्ष्मी बाबू। तो लक्ष्मी बाबू 15 रोज इसमें रखा, तो वो बोला कचरा रह गया है, कचरा साफ किया। उसके बाद फिर घर भेजा, बोला अब ठीक हो जाएगा। घर लाए शाम में, फिर सवेरे वही बात, फिर लेके गए लक्ष्मी बाबू के पास। लक्ष्मी बाबू पास ले गए तो लक्ष्मी बाबू मतलब उसको क्या किया, उसको फिर से ऑपरेशन को खोला। एक और हॉस्पिटल वाले का जो ऑपरेशन था उसको फिर से खोला, खोल के देखा तो उसमें कपड़ा था। कपड़ा निकाले, उसके बाद मतलब कपड़ा निकालने के बाद उसको हम घर लाए। और फिर उस रोज 25 रोज रहे, जिस समय 1 तारीख को जो कपड़ा निकाला हुआ था उसमें, उसके बाद हम 25 रोज वहाँ पे रखा। हमको बोला कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद ले जाना, तो हम वहाँ 25 रोज रहना पड़ा। उसके बाद घर लाए बस 2-4 रोज में, 22 तारीख तक में उसका देहांत, मर गया। किस कारण से? कपड़ा जो जहाँ पे था ना, तो कपड़ा जहाँ पे था वो जितना दूर कपड़ा रहा उसका भौटी और वो सारे जो है ना, जो भी चीज़ वहाँ पे अंदर में रहता है सबको सड़ा हुआ दिया था, खत्म कर दिया। आपका क्या मांग है? मेरा मांग है यही, जो हमको सही न्याय चाहिए। हमको समाचार पत्र से ये जानकारी मिली है कि दर्शन में इस तरह की घटना घटी है, तो इसकी सत्यता के और विस्तृत जांच हेतु प्रभारी उदयकिशनगंज को मैंने कहा है, जांच करके हमको रिपोर्ट दीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की जाएगी, निश्चित की जाएगी।